हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल गार्गिनेस के जो मजामा। हम सभी को चोकोलावा केक पसंद तो बहुत है, लेकिन हम यूजुअली घर पे बनाते नहीं है। थोड़ा सा डर लगता है ना, और बहुत सारे बहाने भी होते हैं। हम अंडा नहीं खाते, हमारे पास अवन नहीं है। आज आपके कोई भी बहाने नहीं चलेंगे, मैं आपको बहुत ही इजी और सिंपल तरीका बताऊंगी। हम दो आटे से बनाएंगे, एक मैं आपको बताऊंगी गेहूं के आटे से और दूसरा मैदे से। लास्ट में मैं आपको बताऊंगी कि दोनों में क्या डिफरेंस होता है, और आपको डिसाइड कर लीजिएगा कि आपको कौन सा वाला ट्राई करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। अब ये है हमारे बेसिक इंग्रेडिएंट्स। आपके पास अगर मेजरिंग कप नहीं है तो चिंता करने की कोई बात नहीं है। मैंने इस साइज का बाउल लिया है, एक कप गेहूं का आटा है और सेम मेजरमेंट से पानी लिया है एक कप, और ये है 3/4 कप पिसी हुई चीनी। सबसे पहले हम वेट इंग्रेडिएंट्स मिक्स कर लेंगे। उसके लिए मैंने ये एकदम चिल्ड पानी लिया है ताकि इसमें तेल अच्छे से मिक्स हो जाए। सो एक कप चिल्ड पानी में हम डालेंगे 3 टेबलस्पून ऑयल। आप कोई भी ऑयल यूज कर सकते हैं, लेकिन उसकी स्ट्रॉन्ग स्मेल नहीं होनी चाहिए। थोड़ा सा नींबू का रस बेकिंग सोडा को बैलेंस करने के लिए, थोड़ा सा वनीला एसेंस, और ये है 3/4 कप पिसी हुई चीनी। इन सभी को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। देखिए तेल अच्छे से मिक्स हो गया ना, अब हम ड्राई इंग्रेडिएंट्स मिक्स कर लेंगे। सबसे पहले ये 1 कप गेहूं का आटा, अब 2 स्पून भर के कोको पाउडर, ये अनस्वीटेंड कोको पाउडर है, वन टीस्पून जितना बेकिंग पाउडर, 1/4 टीस्पून बेकिंग सोडा और 1/4 टीस्पून नमक। अब मीठी चीज में नमक जाना तो जरूरी है। इन सभी को अच्छे से छान लेंगे। इसको छानना बहुत ही जरूरी है, इससे बहुत अच्छा एरेशन आता है। अब हम इसे एक बार अच्छे से मिक्स कर लेंगे, और अब हम इसे अपने वेट इंग्रेडिएंट्स के साथ मिक्स कर लेंगे। इसे जल्दी से मिक्स कर लीजिए, बहुत ज्यादा नहीं फेंटना है। और चोकोलावा केक का बैटर थोड़ा सा रनी ही रहता है, नॉर्मल केक जैसा नहीं होता। परफेक्ट। ये हमारे गेहूं के आटे वाला हेल्दी बैटर रेडी है, और ऐसे ही मैंने मैदे वाला भी बैटर रेडी कर लिया है। अब आपको ऐसी कोई कटोरी लेनी है जो ऊपर से थोड़ी सी ब्रॉड हो ताकि केक अच्छे से निकल जाए, या फिर एकदम सिलेंडर वाली भी आप ले सकते हैं। इसको अच्छे से ग्रीस करेंगे, बिल्कुल कंजूसी मत करना, ताकि इजीली हमारी केक निकल जाए। तेल ही लेना, घी मत यूज करना। आप बटर भी यूज कर सकते हैं, लेकिन उसको फ्रीज करना पड़ता है। इसको हमें 3/4 लेवल तक ही भरना है। अब मैंने 2 चॉकलेट के पीसेस लिए हैं, और इसको हम ऊपर ऐसे हल्के हाथ से रख देंगे। अब हमें इन्हें स्टीम करना है, पानी अच्छे से उबलने लगे फिर ही रखना है। राइट साइड वाला गेहूं के आटे वाला है और लेफ्ट साइड वाला मैदे वाला है।
अब आप चाहो तो इसे बेक भी कर सकते हो, लेकिन मैं स्टीम करना ही रिकमेंड करूंगी। ये गया स्टीमर के अंदर 4 से 5 मिनट मैक्सिमम, और अगर आपको बेक करना हो तो 180 डिग्री पे 7 to 8 मिनट। अब यही बैटर से आप मग केक भी बना सकते हो। नीचे थोड़े से चॉकलेट के टुकड़े डालिए सो दैट अंदर से अच्छे से गुई निकले और ऊपर ये बैटर, और उसे हाई पावर पे सिर्फ 90 सेकेंड्स के लिए रख दे। अगर थोड़ा सा ऐसा लगे कि कच्चा है तो 30 सेकेंड्स के लिए बढ़ा दीजिए। है ना, बहुत ही इजी रेसिपी। ऐसे ही इजी और हेल्दी रेसिपीज के लिए मेरी चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। कहा था ना मैंने आपके कोई भी बहाने नहीं चलेंगे, ना ही इसमें अंडा है ना ही आपको अवन चाहिए। अगर स्टीमर भी नहीं है तो भी कोई बात नहीं, आप जुगाड़ू स्टीमर तो हमेशा बना सकते हैं। तो चलिए जल्दी से अपने इंग्रेडिएंट्स निकालिए और जल्दी से शुरू हो जाइए। और हाँ, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि कैसी बनी। एग्जैक्टली 4 मिनट हो गई है, हमारी केक रेडी होगी, अब हम इसे निकाल लेंगे। और ये जाएगी डायरेक्टली सर्विंग प्लेट पे। ये हुई हमारी मैदे वाली, और ये हमारी घेव के आटे वाली। देखिए ये गेहूं की आटे वाली है, और ये देखिए मैदे की केक वाला टेक्सचर। अब अगर ऑनेस्टली बताऊं तो ये गेहूं के आटे वाली थोड़ी सी चिपचिपी लगती है, लेकिन अगर हेल्दी खाना है तो टेक्सचर में इतना तो कॉम्प्रोमाइज कर ही सकते हैं। और बाकी कोई भी डिफरेंस नहीं है, ये खाने में उतनी ही अच्छी लगती है।